हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। से पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, एंड इट इज अ पेनफुल ब्लीडिंग एरिया इन स्टमक एंड ड्यूओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूओडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इन स्टमक देयर इज द सर्टेन ब्लीडिंग पेनफुल एरिया एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द पेप्टिक अल्सर। अल्सर का क्या मतलब है? घाव, इंजुरी, एंड दैट इज द ब्लीडिंग। क्लियर? पहले समय में पेप्टिक अल्सर को समझा जाता था कि लाइफ स्टाइल की वजह से, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस, ज्यादा एसिड का सेक्रेशन होने की वजह से स्टमक में पेप्टिक अल्सर होता है ड्यू टू द स्ट्रेस, ड्यू टू द स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं था। पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय बैक्टीरियम दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर होता है, एंड दैट इज द प्रेजेंट टाइम नेम, एंड द ओल्ड नेम कैंपाइलोबैक्टर पाइलोरी। क्लियर? सो कैंपाइलोबैक्टर पाइलोरी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉज द पेप्टिक अल्सर, एंड पेप्टिक अल्सर इज द पेनफुल ब्लीडिंग एरिया इन द स्टमक एंड ड्यूओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड टू ऑस्ट्रेलियन दैट इज रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल, दे ऑब्जर्व दैट देयर इज द इन्फ्लेमेशन, देयर इज द ब्लीडिंग एरिया इन द स्टमक एंड ड्यूओडेनम, and this bacteria present in this area. So they guess that this disease, this peptic ulcer caused by the Helicobacter pylori. And Barry Marshall, he cultivated culture this bacterium from these sources. They found that an antibiotic that is the amoxicillin is capable to kill this bacteria and cure the peptic ulcer. So the antibiotic which we use to kill this bacteria, to cure this peptic ulcer, is the amoxicillin. Clear? And for this discovery, Robin Warren and Barry Marshall got the Nobel Prize. They received the Nobel Prize. Nobel Prize in 2005, okay, in physiology and medicine, in the field of physiology and medicine. So medicine and physiology के क्षेत्र में रॉबिन वैरेन और बैरी मार्शल को नोबेल प्राइज दिया गया 2005 में फॉर दिस डिस्कवरी। क्लियर? सो दैट इज द पेप्टिक अल्सर, एंड दिस इज नॉट ड्यू टू द लाइफ स्टाइल और नॉट ड्यू टू द मोर सेक्रेशन ऑफ द एसिड और गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। इट इज ड्यू टू द बैक्टीरियम दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड दिस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट अराउंड द ब्लीडिंग एरिया इन द स्टमक एंड ड्यूओडेनम इन द पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। ओके, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियोज़।